अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। पाकिस्तान में एक तरफ तो मौसम में बहार की आमद है, मगर दूसरी तरफ सियासी माहौल में इल्जामात का मौसम भी शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तो होता ही है कि इलेक्शन सीजन आते ही कहीं इत्तेहाद बनते हैं और कहीं इल्जामात लगते हैं। हुकूमत अपोजिशन पर दहशतगर्दों की पुश्त पनाही का इल्जाम लगा रही है, जबकि अपोजिशन हुक्मरानों पर। मगर अलमिया यह है कि इंतहाई तशवीशनाक नौयत के इल्जामात भी इंतखाबी लहजे में लगाए जा रहे हैं। मामला आवाम की जिंदगी और मौत का है, लेकिन हमारे सियासतदानों ने इसे खेल समझ लिया है। अगर किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाए जाएं और इन पर कार्रवाई की जाए, वरना कम से कम संजीदगी जरूर इख्तियार की जाए, क्योंकि इल्जामात की सियासत करने वालों को मालूम होना चाहिए कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बात होगी कि कौन किससे हाथ मिला रहा है और कौन किससे जान छुड़ा रहा है, मगर पहले कमिंग अप ऑन यकीन टुनाइट। रहमान मलिक साहब से ये पूछे हैं कि बलूचिस्तान में जो दिन रात जो सैकड़ों लोग जो ना शहीद किए गए, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया, क्या वहाँ पर कार्रवाई के लिए कुछ कहा? क्या बाकी सूबों में कार्रवाई के लिए कुछ कहा? पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक कानूनी आइनी हुकूमत है और हम अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। क्या जब ये लाइसेंस इशू हुए तो रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो उस वक्त पंजाब पुलिस ने उसको क्यों रद्द नहीं किया? मुझे उस वक्त खत क्यों नहीं लिखा? तो जाहिर है क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि मलिक साहब साहब को कौन सिक्योरिटी देता है वो सारी दुनिया जानती है। क्या पंजाब हुकूमत और वफाक अपनी अपनी नाकामियां एक दूसरे पर डाल रहे हैं या इंतखाबी मार्का मारने के लिए एक दूसरे को दीवार से लगा रहे हैं? हमारा और जमीयत उलमा इस्लाम का आपस में ये तय हुआ है कि हम इंतखाबात में एक दूसरे के साथ तआवुन करेंगे। यकीनन हमारा इस पर इत्तेफाक हुआ है कि हम इंतखाबात में एक दूसरे का तआवुन करें। ये इत्तेहाद तो डंके की चोट पर हुआ, लेकिन क्या नून लीग ने खाना काबा में भी किसी से कोई अहदो पैमा किए थे या नहीं? यकीन से जानने के लिए पूछेंगे मुआहदे में शरीक दूसरे फरीक से। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को पार्टनरशिप तोड़नी आती है, एक बहुत जबरदस्त इन स्विंगर आने वाला है। ये पहला गेंद होगा जो दो बैट्समैनों की विकेटें उड़ा देगा। क्लीन बोल्ड करने के लिए भी पिच का साजगार होना जरूरी है और इलेक्शंस में इत्तेहाद के बगैर जीत अधूरी है। क्या कप्तान ने एमक्यूएम से इत्तेहाद के लिए पिच तैयार कर ली? दूसरी तरफ मुतहदा और डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक साथ मैच खेलने पर तैयार नजर आते हैं। बात करेंगे कि क्या इत्तेहादी का इत्तेहादी इत्तेहादी हो सकता है। एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले आगाज करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना लुधियानवी साहब, सरबरा हैं अहले सुन्नत वल जमात के। लुधियानवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि एक इत्तेहाद आज नून लीग का हुआ है JUIFA से, डंके की चोट पर किया गया, लाइव नशर हुआ, ब्रेकिंग टिकट्स चले, दोनों फरीकैन ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी की। एक इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के साथ बताया जाता है कि हुआ है, अगर हुआ है तो फिर खुफिया क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी है आज जो इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान में हुआ है, अल्लाह करे ये इत्तेहाद बाकी रहे और कल इसका भी कोई इनकार ना करे। आहले सुन्नत वल जमात एक मजहबी जमात है। हमने अगरचे इससे पहले बकायदा इसके प्लेटफार्म से इंतखाबी सियासत नहीं की, जंग से मैंने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, वहीं से मौलाना मोहम्मद आज़म तारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इलेक्शन तीन मरतबा लड़ कर के कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे। गुज़श्ता इंतखाबात में हमने अपने जमात के तमाम कारकुनों और ज़िम्मेदारों को आज़ाद किया था, जमातों के इन्हीं हालात को देखते हुए कि जिसके साथ चले उनसे हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया और मुल्क की तमाम जमातें 19-20 का फ़र्क डाल लें, इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता।
اپنے مفادات کے لیے اس ملک میں سیاست کی جا رہی ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اسے استعمال کیے ہوئے ٹشو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، گزشتہ انتخابات میں ہم نے ملک کی تقریباً تمام جماعتوں کے امیدواروں کے ساتھ مختلف حلقوں میں تعاون کیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ہم نے آزاد کر دیا اپنے کارکنوں کو کہ آپ کے حلقے میں جو امیدوار آپ کے قریب ہے، جس سے آپ کو پہلے کوئی فائدہ ملا یا آنے والے وقت میں کوئی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کے حق میں اپنا فیصلہ کر لیں۔ اس لیے میں نے وہ ایک پوری لسٹ گزشتہ کئی پروگراموں میں پیش کی تھی کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہوا تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ذمہ داروں نے انکار کیا کہ ہم نے ووٹ نہیں لیا تھا، اور ان دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپاہ صحابہ یا آل سنت والجماعت سے ووٹ نہیں لیا تھا یا آنے والے وقت میں ووٹ نہیں لیں گے۔ مجھے ان کی مجبوری کا علم نہیں ہے۔ ایک ہے ملک میں ان سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی، ان لڑائیوں کی وجہ سے ہمیں کس وجہ سے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، ہمیں کس وجہ سے کبھی وہ ہمارا نام لے کر کے ہمارے خلاف بات کرتا ہے، کبھی یہ دوسری جماعت والے ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا ہمارا ووٹ کسی سے کم ہے، کیا ہمارے ووٹ کے اوپر کوئی اس انداز کا نشان لگا ہوا ہے، کیا ہمارے ووٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیا ہمارا ووٹ جو ہے وہ اس ملک میں رہنے والا ہر پاکستانی جو ہے اس کا ووٹ ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، اس کا ووٹ بنا ہوا ہے، ہمارا بھی ووٹ ہے۔ یہ جو ہمارے ووٹ کی ناقدری کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے الیکشن میں ہم متحدہ دینی محاذ جو چھ جماعتوں پہ مشتمل ایک اتحاد مولانا سمیع الحق کی قیادت میں بنا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز ملک کے بیشتر حلقوں میں ہم اپنے امیدوار لائیں گے اور اپنا ووٹ اپنے امیدواروں کے حق میں ہی ہم استعمال کریں گے۔ مولانا صاحب یہ فرما دیجئے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تعاون کیا، یہ جو تعاون کیا آپ نے پولیٹیکل جماعتوں سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز، یہ اعلانیہ تھا یا غیر اعلانیہ؟ یہ ساری دنیا کے سامنے ہے، میں نے جو پیپلز پارٹی کی لسٹ دی تھی شاید ثنا آپ کے پاس ہوگی، میں نے ان میں کچھ نام لیے تھے، قمر الزمان قاہرہ صاحب کا، تسنیم قریشی صاحب کا، جمشید دستی صاحب کا، خورشید شاہ صاحب کا، یہ میں نے نام لیے تھے اس انداز میں۔ اس میں مسلم لیگ نواز کے نام نہیں ہیں، یہ جو خود میاں شہباز شریف صاحب نے بکھر سے الیکشن لڑا تھا، وہاں سے میں نے اپنا امیدوار ان کے حق میں دستبردار کروایا تھا، اسی انداز میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ آپ نے میری وہ بڑی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، جنگ میں ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا وہاں پر ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا، کھاریاں میں ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا وہاں پر بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں خود ایک سیاسی عمل پہ یقین رکھنے والا ایک کارکن ہوں، سیاستدان کبھی یوں نہیں کہا کرتے، ووٹ تو نہ بھی کوئی دے تب بھی ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں اگر پہلے ووٹ نہیں بھی دیا تو آنے والے وقت میں اس کا ووٹ لیا جا سکے۔ یہ ٹھیک ہے ہمارے نام کے ساتھ ایک قلعدم کا لفظ لگا دیا گیا ہے، یہ قلعدم کا لفظ جماعت کے ساتھ لگایا ہے، ہمارا ووٹ تو قلعدم نہیں ہے، ہمیں ووٹ ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم پاکستانی ہیں، ہماری پاکستان کی یہ ووٹر لسٹیں جو چھپ کر کے آئی ہیں ان کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ہم ووٹ لینے کا حق بھی رکھتے ہیں، ووٹ دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ جب ہمارا ووٹ ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جماعتوں کے ذمہ دار کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ووٹ نہیں لیں گے،
नहीं ज़रूरत है खुदा के लिए ना लें हमसे, हम अपना वोट अपने पास ही रखेंगे, हम किसी को देने की कोशिश ही नहीं करेंगे। मौलाना साहब जरूरत की बात तो नहीं है यहाँ पर, माना नहीं जा रहा कि कभी आपकी मदद की जरूरत भी उनको पेश आई थी, वोटों की तो पता नहीं लेकिन मदद की भी जरूरत नहीं पेश आई थी और ना ही मैं जो नाम ले रहा हूँ कभी मेरे साथ बैठ जाएं फिर आपको पता चल जाएगा कैसे इनकार करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके आपके नाम से आज एक अखबार में भी आप ही के नाम से बात आई है सामने कि आपकी बात हुई थी उस जर्नलिस्ट से जिसको आपने कहा है कि ये नून लीग वालों के साथ इत्तेहाद तो हुआ था लेकिन वो प्रेशर में आके या कमजोरी की वजह से ये बात मानते नहीं है। मैंने ये बात नहीं की थी। मैं तो जहाँ भी कोई मेरे से सवाल करता है कि आप आने वाले वक्त में आप किस जमात के करीब होंगे तो मेरी खुली खुली बात है कि जो हमारे करीब हो हम उसके साथ होंगे, राबते सब के साथ होते रहते हैं। मेरा मौकफ ये है अभी बकायदा हमारा किसी के साथ कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा ये बता दीजिएगा कि आप क्यों समझते हैं कि अगर आपने खुद कहा कि आप एक इस्लामी जमात हैं तो जमात इस्लामी भी इस्लामी जमात है, JUIFA भी इस्लामी जमात है, तो इनके साथ अगर कोई गठजोड़ है भी या इंतखाबी इत्तेहाद है भी तो वो डंके की चोट पर होता है, सबके सामने किया जाता है, आपके साथ ये जरूरत क्यों पेश आती है कि तावुन भी हो तो खुफिया हो, अगर इत्तेहाद भी हो तो खुफिया हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता? ये मुझे अफसोस ही है, इसका जवाब इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम देंगे। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कोई मुआहदा तय पाया था खाना काबा में शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्या कोई माफी तलाफी हुई थी, उसकी क्या वजह बुनियाद थी, क्यों आपको माफी तलाफी करने की जरूरत पेश आई या उनको पेश आई? नहीं ऐसा मुआहदा कोई नहीं था। वो हमारी जमात के डॉक्टर खादम हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, एक मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ये बातें चली थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरी तरफ जो मंसूब बातें हैं कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करता हूँ वो मेरी तरफ गलत बातें मंसूब की हुई हैं, ये इस अंदाज में बातें हुई थी, ना कोई मुआहदा था ना इस अंदाज की कोई बात हुई थी। अच्छा ये बता दीजिएगा कि ये भी बात की जाती है कि फारूक लगारी साहब के सदारती इंतखाब के वक्त बीबी शहीद ने आजम तारिक को हिमायत के एवज क्लाशनकोफ के लाइसेंस दिलवाए थे और सिपाही साहबा में से वजीर आला के मुशीर भी मुकर्रर किया गया था, क्या ये दुरुस्त है? या मुझे उसकी तफसील का तो इलम नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त जमाती जिम्मेदारियों के ऊपर नहीं था। ये मुझे मालूम है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ रबते हुए थे जिसकी वजह से हमारी जमात के शेख हाकम साहब सूबाई वजीर बने थे और रियाज अशमत जंजुआ साहब वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए गए थे। अच्छा नेशनल असेंबली में आज एक बिल भी पेश किया गया है कि कालादम जमातों ने अगर नाम तब्दील किए हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनका बैरून मुल्क ट्रैवल करना भी रोका जाएगा, उनको 90 दिन रखने की इजाजत भी होगी हिरासत में और ये कहीं भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेगा। आप समझते हैं कि आपकी जमात अगर कालादम थी या है या कालादम नाम जोड़ दिया गया है तो आपकी जमात पर इसके कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें हमारी जमात को कालादम करार दिया था परवेज मुशर्रफ ने, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक आमर कहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसे एक आमर कहती है, जब वो आमिर था उस आमिर के फैसलों को आमराना ही कहा जाएगा। उसने बहुत सारे और भी आर्डिनेंस जारी किए थे जो मौजूदा हिजब इकतदार और हिजब इख्तलाफ इन दोनों ने मिल बैठ करके उन तमाम आर्डिनेंसों को गैर मुअसर करार दे दिया था। मुझे अफसोस है जो हमारे खिलाफ आर्डिनेंस था वो मुअसर क्यों है, और ये आपके इलम में होगा जब ऑर्डिनेंस जारी किया जाया करता है अगर उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद हो तो पार्लियामेंट से उसकी तौसीक कराना जरूरी होती है और अगर पार्लियामेंट मौजूद ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन के अंदर अंदर उसकी तौसीक कराना जरूरी हुआ करती है। परवेज मुशर्रफ चला गया और उसके बाद मौजूदा हुकूमत आई, 5 साल इसके भी पूरे हो गए हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसले की तौसीक नहीं कर सकी, इसलिए मैं समझता हूं वो गैर मुअसर हो चुका है। इस अंदाज में मैं कहता हूं कलदम करार दे देना ये कोई बात नहीं है। हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, हमने बड़ा पूरा तफसीली रिकॉर्ड वहां अदालत के अंदर पेश किया हुआ है, इंशाल्लाह किसी वक्त भी अदालत जब उसका फैसला सुनाएगी तो मुझे यकीन है कि वो फैसला
ہمارے حق میں آئے گا. ہم اس ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں, اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں. میں بڑے واضح لفظوں میں سنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دہشت گردی سے, تخریب کاری سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, نہ دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے, نہ دہشت گردی کی کاروائیوں سے کوئی تعلق ہے. یہ مجھے تو افسوس کے ساتھ بات کہنا پڑتی ہے, جب بھی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری طور پر ہمارے ملک کے وزیر داخلہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صفائی صحابہ والوں نے یہ کر دیا. میں نے ان سے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے میرے خلاف یا میری جماعت کے خلاف, لائیں, عدالت کے اندر لائیں, عدالت کے ذریعے سے ہمیں سزا دلوا دیں, ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے. لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں اور میری جماعت کا ملک میں ہونے والے جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا لشکر جنگوی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ نے ہمارے ذمہ داروں کو, لشکر جنگوی کے ذمہ داروں کو, اس وقت جب مولانا اعظم طارق کا دور تھا ان کو گرفتار کیا تھا, لشکر جنگوی کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا تھا, ان کے بھی انکوائریاں ہوئیں, ان کی بھی انکوائریاں ہوئی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے اتنے ادارے موجود ہیں, اتنی ایجنسیاں موجود ہیں, کیا ان کے پاس اس بات کا ریکارڈ نہیں ہے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا لشکر جنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی تعلق ثابت کر دے اور پھر کسی کاروائی میں ہمارا تعلق ثابت ہو جائے, میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. بہت شکریہ لدھیانوی صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشاہد اللہ خان صاحب, رہنما ہیں نون لیگ کے. بہت شکریہ مشاہد اللہ صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بھکر میں سی ایم صاحب کی سیٹ کے اگینسٹ جو کھڑے تھے ان کو دستبردار کروایا گیا, کہہ رہے ہیں لدھیانوی صاحب, ہاں یا نہ؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اب اتنا یاد نہیں. اچھا, اور جھنگ میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے, اس پہ بھی کوئی مدد کی تھی, کوئی تعاون ہوا تھا؟ دیکھیں, بات یہ ہے ثناء کہ انہوں نے یہ جو ابھی لدھیانوی صاحب نے گفتگو کی ہے, اس میں بہت سارے جو پروپیگنڈے ہمارے خلاف ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, اور اصل بات یہ کھل کے سامنے آئی. انہوں نے تو بائی نیم پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا. میں نے وہ 26 لوگوں کی لسٹ ہے پوری, جس میں سے 3-4 کا انہوں نے نام لیا ہے. اس میں آفتاب شہبان مہرانی صاحب بھی ہیں, اس میں قائم علی شاہ بھی ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ہیں. بات یہ ہے, دیکھیں کہ ہم تو ایک نان ملیٹنٹ پارٹی ہیں, اور کوئی نان ملیٹنٹ پارٹی کسی بھی ملیٹنٹ پارٹی سے کسی بھی قسم کا تعلق کبھی بھی نہیں رکھتی. بلکہ اس ملک میں ہو عجیب و غریب گنگا بہہ رہی ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں اور غریب اور کمزوروں کے خلاف دہشت, ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں, ان کو تو لوگ بڑا لبرل کہتے ہیں, اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں کوئی سپاہ صحابہ تھی یا لشکر جنگی تھا یا سپاہ محمد تھی, تو سب نے اپنے نام بھی چینج کر لیے, اور پھر منہ سے اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے, تو پھر حکومت کا یہ کام ہے نا کہ جا کے سپریم کورٹ میں وہ یہ طے کرے کہ جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص ووٹر ہے تو اس کو اجازت دی ہے نا ریاست نے, الیکشن کمیشن نے اجازت دی ہے. میں اگر الیکشن میں جا رہا ہوں تو میں تو ہر ووٹر کے پاس جاؤں گا, اس لیے کہ میرا الیکشن کمیشن جو پاکستان کے آئین کے تحت بنا ہے. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ اہل سنت وال جماعت کے پاس گئے, تعاون ہوا, چاہے وہ خفیہ ہی ہوا ہو, ہوا, یہ آپ مان رہے ہیں نا؟ مجھے, میرے علم میں بالکل نہیں ہے, میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی حوالے سے ایک بات ہوتی ہے. ایک اور بھی بات ہے جس پہ میڈیا میں اتنی بات نہیں ہوئی, کہ ایک اسی طرح کے شخص جو تھے وہ گورنر مرحوم سلمان تاثیر صاحب کے بھی جلسے میں پہنچے ہوئے تھے, بلکہ تقریر بھی کی تھی جس پہ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی تھی. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ بہت زیادہ ایشو نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ آپ کس کس کو, آپ مجھے بتائیں نا, یا تو آپ یہ جو ووٹر لسٹ ہے اور یا کیٹیگوریکلی لوگوں کے نام لے کے بتائے یہ ریاست, یہ جو رحمان ملک صاحب خالی گا گے گی کا جو سیگا انہوں نے استعمال پچھلے 5 سال میں کیا ہے, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, کیا تو ہے نہیں نا آج تک. جو پریکٹیکل کام ہے وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگوں کو آپ مبتلا کرتے ہیں. اور اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محترمہ کے دور میں بھی ان کے وزیر رہے ہیں, سارا کچھ رہا ہے, تو بھائی اس کا آپ کوئی طریقہ اختیار کریں نا. اور وہ طریقہ جو ہے وہ عدالتیں بہترین چیز ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
और ख़ास तौर से रहमान मलिक साहब वो समझते हैं कि उनके पास कोई सबूत हैं तो वो लेके क्यों नहीं गए पांच साल में, खाली नाम लेना। ठीक है रहमान मलिक, ठीक है मुशाहिद उल्लाह साहब जी, एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है। रहमान मलिक साहब के अलावा भी एक शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिनके पास कुछ सबूत हैं, उनकी आज प्रेस रिलीज भी शाया हुई है, उनसे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। सेनेटर मुशाहिद उल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगर तो कालादम जमातों के साथ इत्तेहाद जायज है तो फिर इस पर इसको खुफिया क्यों रखा जाता है, और अगर जमातें कालादम ही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों रखा जाता है? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। नए इत्तेहाद बन रहे हैं लेकिन कुछ पुराने इत्तेहाद हैं जो आज के सियासतदानों को हॉन्ट भी कर रहे हैं। ये इत्तेहाद जायज थे या नाजायज, और इनको आगे भी खुफिया रखा जाएगा या नहीं, इस पर कोई कानून साजी भी की जाएगी या सिर्फ इल्जामात ही लगेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर मुशाहिद उल्लाह साहब, समसाम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। जी समसाम बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज अखबारात में आपके नाम से भी कोई चीज शाया हुई है जिसमें आपने कहा है कि नून लीग लश्कर जंगवी को तहफ़ फराहम कर रही है, ये आपकी अपनी सोर्सेज आपने कोट की हैं? जी मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इस खबर से मेरा दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अभी बात ये है, बात ये है कि मैं ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कर नहीं सकता कि मैं किसी को कहूँ, ना मैंने नून लीग का कहा, ना पंजाब हुकूमत का कहा, ना मेरे से किसी ने सवाल किया, ना मैंने किसी को कुछ बताया, और मेरे नाम से एक चीज लगा दी गई है। अब ये तो जिम्मेदारी अखबारात को भी करनी होगी, मैंने ऑलरेडी भी उस अखबार के एडिटर से बात की है, क्योंकि मेरी उनसे बात हो गई, इसलिए मैं अखबार का नाम नहीं ले रहा, पर आपको पता कितना बड़ा अखबार है जी। नहीं लेकिन सिर्फ एक अखबार में तो नहीं है ना समसाम साहब, ऑनलाइन भी है, बहुत सारी और जगह पे भी मौजूद है, कहीं उर्दू कहीं अंग्रेजी, पूरी पूरी बड़ी बड़ी। मुझे मैं तो उकाड़ा में था, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये आखिर मेरा नाम ही क्यों इस्तेमाल किया गया है जिसने भी कराया है जी। लेकिन समसाम साहब ये जो इसमें जो कंटेंट है, क्या आप उसको भी डिनाई करेंगे या सिर्फ इस खबर इस चीज से डिनायल है कि ये मैंने नहीं कहा? सना बात ये है कि मैंने लश्कर जंगवी का जिक्र कहीं नहीं किया, मगर मैंने पंजाब के एक वजीर के बारे में अक्सर कहा है कि उनकी कलदम तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और वो भी मैंने रिसेंटली नहीं कहा, मगर उस बात पे मैं कायम हूँ कि उनके हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं अगर वजीर का नाम छोड़े इस बात को छोड़े, आप जो भी है सबको पता है कौन है। नहीं सबको पता है फिर हम क्यों छोड़ देते हैं, सबको पता है कि लश्कर जंगवी को कौन सपोर्ट कर रहा है, सबको पता है कि रहमान मलिक साहब भी कहते हैं सबको पता है, आप भी कह रहे हैं सबको पता है। देखिए लश्कर जंगवी का सफाई साहबा का मैंने नाम नहीं दिया ना, ये आप दो चीजें आप पूछ रही है, एक सवाल आप मेरे से कर रही है कि आप कंटेंट के बारे में बात करें, एक आप पूछ रही है कि मैंने ये बात की है कि नहीं है। अगर ये पूछती है तो ये जो कल खबर या आज खबर लगी है ये मैंने नहीं कही, लेकिन जहां तक सवाल ये है कि पंजाब के एक साहब हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा है, मैं आप भी कहता हूं, और जितने भी लोग हैं जो उस फिरके से ताल्लुक नहीं रखते उनको उनके बारे में ये शिकायत है? नहीं तो आपने सुबह से ये खबर छपी हुई है बुखारी साहब, आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया कैसे आप गैर जिम्मेदारी से? देखें जी मेरी गैर जिम्मेदारी है, नहीं मैंने कहा कोई भी आपका नाम कोट करके इतनी बड़ी खबर शाया कर देता है जिसमें इंसिडेंट्स कोट किए गए हैं, मुआहदे कोट किए गए हैं, लोगों के नाम लिए गए हैं। मैं यही है, मैं उसको देखे ना, वो मैं अपनी तरह पे चेक करूंगा, मगर पहली बात तो ये है कि अखबार वाले तो मुझे बता नहीं रहे कि किसने कहा है, जब मैंने उनसे पूछा है तो वो तो मुझे नहीं बता रहे इस बात का। नहीं लेकिन प्रेस रिलीज जो आती है तो जाहिर है फैक्ट्स के थ्रू आती होगी, आपने फैक्ट नंबर मैंने आई हैव चेक फ्रॉम एनी बॉडी की प्रेस रिलीज मेरी मर्जी नहीं आती, मेरे किसी स्टाफ ने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी है। तो समसाम साहब आप क्या समझते हैं ये क्या हुआ है आपके खिलाफ, फिर ये कोई अंदर ही अंदर कार्रवाई होगी? मेरे खिलाफ या मेरे हक में क्या होगा, बट आई डोंट नो कि व्हाट वाज इट, मैं जरा उसको चेक कर लूं तो फिर मैं उस पर कुछ कह सकता हूं, बट इस बारे में चूंकि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया, आई मे स्पीक इन द असेंबली टुमारो एज वेल। अच्छा आप असेंबली में भी इस पे बात करेंगे? अच्छा कंटेंट की बात नहीं है, नजरिए की बात नहीं है, मगर ये सारा ज्यादती है या नहीं कि एक आदमी को पता ही नहीं उसके नाम से खबर लग जाए? नहीं नहीं ये ज्यादती तो है समसाम साहब, लेकिन आप जैसे लोगों के साथ अगर ये ज्यादती होने लगे तो फिर क्या कहिए? ज्यादती तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में किसी भी शरीफ आदमी के साथ हो सकती है, ये कोई ऐसी बड़ी बात, ये बड़े मैं दुख से कहता हूँ, क्योंकि सूरत हाल ये है कि एक चीज से आपका अगर ताल्लुक हो, आपका वो सारा कुछ हो तो देन इट्स फाइन, और अगर अगर किसी ने किया भी है तो आपको एतमाद में तो लिया जाए।
अच्छा चलें समसाम साहब, आपसे नहीं कोट करते लेकिन अज़हर रहमान मलिक साहब की भी गुफ्तगू आप सुनी रहे हैं, वो भी बार बार इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे, आप उससे अग्री करते हैं कि नून लीग का इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल रहा है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को पुश बनाई भी है नून लीग ने? सर मैं बड़ी खुल के बात करता इस पे अगर आज की खबर मेरे हवाले से ना लगी होती, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि मैं एज ए जमात तो बिल्कुल नहीं करता, मगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन पे मैं यकीनन करता हूं। ठीक है, अच्छा मुशाहिद उल्लाह साहब हैं, अगर आप उनका कमेंट सुन लें फिर आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन मुशाहिद उल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि एक कोई वजीर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं और आज की खबर की बात तो उन्होंने कर दी कि तर्दीद कर दी है कि मेरी तरफ से नहीं आई है, तो ये खुद वो कह रहे हैं कि पूरी जमात नहीं थी, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। अच्छा जी मुशाहिद उल्लाह साहब, आपके साथ भी ज्यादती हो रही है? नहीं, वो तो पहले भी गुफ्तगू जो हुई है उससे पहले लुधियानी साहब करके गए, उससे तो बातें बहुत सारी वाजे कर दी ना उन्होंने, मतलब ये खबरें आ रही हैं इतने दिन, असल में हो पता क्या रहा है, देखें असल मसले की तरफ जाए, मसला ये है कि PMLN का रास्ता रोकना है, कभी एक गुब्बारे के जरिए, कभी दूसरे के जरिए, कभी तीसरे के जरिए, जब सब फट गए तो अब इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी हैं जिसका कोई वजूद नहीं है किसी भी लिहाज से। अगर किसी का कोई ताल्लुक है तो मैंने सलमान तासीर साहब के जलसे का भी हवाला दे दिया था, वो भी रिकॉर्ड पे है, फिर मोहतरमा के दौर में कौन वजीर बना था, तारिक आजम साहब का क्या किरदार था, हाकिम अली साहब का क्या किरदार था, तो ये बातें जो हैं इसको अगर इशू बनाएंगे तो बनाते रहें, लेकिन मैंने एक बुनियादी बात की है कि इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन और इस मुल्क का आईन अगर किसी शख्स को वोट देने का इख्तियार देता है तो इलेक्शन लड़ने वाले को उसका वोट लेने का इख्तियार भी पूरा मौजूद है। ये है जी, ठीक सुन रही हूँ आपको सेनेटर साहब जी, तो मैं ये इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी देखे ना, रहमान मलिक हो या इस हुकूमत की जो तर्ज हुक्मरानी रही है, अपना आप 5 साल गुजरने के बाद भी वो इतलाती फराहम कर रहे हैं, भाई अगर कोई इस तरह की आउटफिट्स थी तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाते, उनको ऑन टास्क लेते, उनको बाकायदा आप डिक्लेयर करते उनके नाम पार्लियामेंट में, उस पर बात करते, कुछ नहीं करके दिया, सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह के झूठे और खोखले अगर नारे आपने लगा के समझ रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में आपको इससे कोई फायदा हो जाएगा, मैं तो ये कहता हूँ कि ये रहमान मलिक टाइप जो लोग हैं ना, ये पीपल्स पार्टी के लिए को दफन करने के लिए काफ़ी हैं, मैं समसाम साहब की बात नहीं करता, ये और टाइप के आदमी हैं, लेकिन वो जिस एजेंडे पे हैं और उन्होंने जो कुछ पीपल्स पार्टी का फायदा या नुकसान किया है वो इस इंतखाबात में नजर आ जाएगा, और इस तरह की जो बातें करके आप पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, भाई आप कौन दूध का धुला है यहाँ पे, अभी तो 26 लोगों के नाम उन्होंने गिनवा दिए हैं कि इन्हें हमने 2008 में सपोर्ट किया है लश्करे जंगवी ने, तो अब इसका क्या जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास, तो भाई इस तरह की बातें मत करें, आप इंतखाबात जो है उसको करवाने की कोशिश करें और उसको आजादाना और गैर जानबदाराना, और जो बंदा वोटर लिस्ट में होगा वो वोट डालेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा, और हर उम्मीदवार को, मैं अगर किसी हलके में खड़ा हूँगा चाहे वहाँ पे वादतुल मुस्लिमीन हो या एनएलए सुन्नत वल जमात हो, ये नई जमातें हैं ना, पहले इन जमातों का नाम कुछ और था, असल हकायक लोग बयान नहीं करते, तो मैं तो इन दोनों के पास जाऊँगा वोट लेने, मुझे तो कोई मसला नहीं है, तो आप मतलब कि इस तरह की बातें जो हैं वो जी ठीक है। समसाम बुखारी साहब, ये सो क्लोज टू द इलेक्शंस, ये आप क्या कहेंगे, ये पॉलिटिकिंग हो रही है, ये इल्जामात की सियासत हो रही है, ये गेम हो रहा है? पहली बात तो ये है कि आई लॉस्ट यू, आपके बंदे ने मुझे दोबारा लिया है, मुझे नहीं पता मुशाहिद साहब ने क्या फरमाया है, मैंने अभी आखिरी बात उनकी सुनी है, उससे पहले वाली बात में, उससे बात पहले आपकी बात नहीं, मगर वो ये अभी तो हुकूमत कह रहे हैं हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, और हुकूमत जी रास्ता पता नहीं इनका क्यों, कोई कौन रोकेगा रास्ते में, तो हर जगह इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है बड़े बड़े आह्वानों से लेके, लेकिन बात यह है कि इनका रास्ता किसी ने नहीं रोकना, या तमाम जमातों का रास्ता रुकता है या किसी जमात का रास्ता नहीं रुकता, लेकिन इलेक्शन के करीब जाके इस तरह की गुफ्तगू, मैं समझता हूँ अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हम मुसलमान होने की बात करें, सेक्टेरियनिज्म से बाहर आए और अपने मुल्क की तरफ जाएं, और मैं आप मैं ये नियतन कहता हूं कि हमारे मुल्क का वाहिद हल इलेक्शन है, फिर जो जिसको वोट दे जो इलेक्ट हो जाए, ये तरीकाकार है, डेमोक्रेसी इस मुल्क का फ्यूचर है, अदरवाइज हम खराबी की तरफ जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो।
ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सबज़वारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, आप अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ये फरमाया कि अगर तो इन्होंने पुष्पनाही की है तो ये कौम से माफी मांगे, क्या ये गुनाह इतना छोटा है कि माफी से बात बन जाएगी? देखिए, पहली तो तवक्को यही है कि जिस तरह मुशाहिद उल्लाह खान साहब फरमा रहे हैं ऐसी ही सूरत हाल हो, और ना इनकी तरफ से ना ही किसी और जमात की तरफ से कोई पुष्पनाही की गई हो उन कलदम जमातों की जिन्हें कुछ मखसूस वजूहात की बुनियाद के ऊपर उन दहशतगर्दी के साथ साथ इंतहा पसंदाना नज़रियात इस मुल्क में फैलाने के हवाले से जिन्हें कलदम करार दिया गया था, तो तवक्को तो यही है कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं ऐसा। लेकिन अगर कोई वाकईतन महज चंद वोटों के लिए या एक आध सीट के लिए अगर ऐसा करता है तो मेरे ख्याल में फिर लोग ही फैसला करें कि आया उनकी महज जो ज़बानी कलामी बात है उस पर यकीन किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा फैसल सबज़वारी साहब, इस वक्त इलेक्शन नज़दीक हैं, ये मामले तो चल रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, लेकिन नए इत्तेहाद भी बन रहे हैं, और एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है कि एमकेएम के वफ़द ने कल मुलाकात की है तायरुल कादरी साहब से भी, और हर मुमकिन सपोर्ट की बात भी की गई है। ये मुमकिन सपोर्ट सिर्फ धरनों की हद तक महदूद रहेंगे या कोई सीट एडजस्टमेंट और इलेक्शन में कोई अलायंस देख रहे हैं आप? ना तायरुल कादरी साहब से तो आपके इल्म में है कि जब हम हुकूमती इत्तेहाद के साथ थे हम उस वक्त भी मिले और उनके जलसे में भी शिरकत की, वो भी आए 90 यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे इस वक्त इल्म नहीं है ज़ाती तौर के ऊपर कि आया वो इंतखाबात में किस तरीके से जा रहे हैं और किन नशिस्तों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को वो खड़ा करेंगे अगर वो इंतखाबात में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये लेटर स्टेज है। हम सियासी इंतहा पसंद नहीं हैं, हर उस लेजिटिमेट पोलिटिकल फोर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करते रहेंगे जो हम ये समझते हैं कि जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिनके साथ बात हो सकती है। अच्छा, आप गुफ्तगू करते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतना लंबा इश्तराक रहा और वो खत्म हो गया, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी ये सब सिर्फ दिखावा है और मामला ठीक हो जाएंगे, असल टेस्ट तो ये है कि जब सीएम चूज होगा और बाकी चीजें होंगी तब पता चलेगा कि ये आप लोग ऑपोजिशन में वाकई हैं या फ्रेंडली है, इस पर क्या कहेंगे? सना, ये मैं कह कहकर थक गया हूँ लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँगा, छोटा सा सियासी कारकुन हूँ इसलिए मेरी बात लोगों तक पहुँचती नहीं है। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का खात्मा हुआ है, मखासमत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी ख्वाहिश यही है, खासकर सूबे सिंध के जो अपने डायनामिक्स हैं, कि एक वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी रहनी चाहिए, और वहाँ भी जो समझदार लोग हैं मेरे ख्याल में उनकी भी यही ख्वाहिश होगी। यहाँ देही और शहरी के अपने डेलिकेट मामलात हैं, उनको लेके चलना चाहिए। दूसरे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है वो और बहुत सारे दोस्त भी कह रहे थे, मैं ये कतन समझने से कासिर हूँ कि आईन पाकिस्तान के तहत निगरा हुकूमत से मुराद ये है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो जो चंद रोज़ के लिए, चंद हफ़्तों के लिए, चंद माह के लिए इस तरीके से आए कि ना वो कोई नौकरी दे, ना वो कोई तरक्याती काम करवाए, ना अखराजात, ना कोई असर और रसूख, ना ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स, नथिंग। और उस पर एक बड़ा वॉच डॉग, इलेक्शन कमीशन भी है, ऑब्जर्वर्स भी हैं, मीडिया भी है, फिर सारी सियासी जमातें हैं, ये सब हो। ये मेरे नज़दीक तवक्को होनी चाहिए हम सबकी आइन के तहत निगरान हुकूमत से। ये जो इशू है कि निगरान वजीर आला अपनी मर्जी का ले आए, मैं आई एम रियली सरप्राइज्ड, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स? अगर ऐसा ही है तो पंजाब में तो फिर मियाँ साहब की मर्जी का और PML-N की मर्जी के वो आएंगे निगरान केयर टेकर, तो उनसे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? या विफाक में चौधरी निसार अली खान साहब हैं हिजब इख्तलाफ के रहनुमा, तो उनकी मर्जी से आएंगे तो क्या तवक्को है? हमें तो कल तक इल्म नहीं था, चंद रोज पहले ही हम तो हिजब इख्तलाफ में आए। ठीक है फैसल सबज़वारी साहब, सॉरी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुशादुल्ला साहब से भी कमेंट लेंगे और असद उमर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इत्तेहाद का पिच तैयार कर रही है, ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सब्ज़वारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब ऑन द फोन लाइन, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। बात हो रही है सिंध में नए इत्तेहाद बनने की, तो मुशाहिदुल्लाह साहब, क्योंकि आज JUIF के साथ इत्तेहाद हुआ है, कल मियाँ साहब मुलाकात करेंगे पीर साहब पगाड़ा से, फंक्शनल के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, आप क्या समझते हैं ये अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI में कोई इत्तेहाद बनता है तो आप लोगों की पोजिशन क्या होगी? देखें, बात यह है कि हर पार्टी का अपना अपना एक पॉलिसी के तहत वो अपने अलाइंसेस करती है इलेक्शन के नज़दीक,
और हमारा मसला ये है कि एक बुनियादी बात है कि जो लोग हकूमत में रहे हैं पिछले 5 साल उनसे हमने अलायंस नहीं करना। अब अगर एमक्यूएम पीटीआई से करती है तो पीटीआई और एमक्यूएम की मर्ज़ी है, ताहिरुल कादरी साहब से करती है तो भी ठीक है, काफ लीग से करती है तो भी ठीक है, पीपल पार्टी से करती है तो भी ठीक है, क्योंकि ये हकूमतों में रहे हैं। कुछ लोग हकूमतों में रहे हैं और कुछ लोग जो हैं हकूमतों को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाते रहे हैं, तो उनका एक नेचुरल अलायंस बनता है। मुझे नहीं पता ये हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा यानी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज सारी दुनिया ने सुन लिया है, और हमारे जो अलायंस है उसकी एक बुनियाद है। आज भी मियाँ साहब ने ये बात कही है कि इस मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उसमें कोई एक जमात अगर जीत भी जाए तो भी वो शायद उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक माइंडेड पार्टियाँ जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लेके इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। सिर्फ इख्तदार की रस्साकशी या उस गोरख धंधे में पड़े बगैर इस मुल्क के जो गंभीर तरीन मसाइल हैं, जो पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, उनको हल करने की कोशिश करनी है। लेकिन हम एक 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 और ही बहस में उलझे हुए हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, माजी में या अभी जो बात हुई थोड़ी देर, देखें मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बड़े तरीके से एक वारदात हो रही है कि अहले सुन्नत, अहले तशी, देवबंदी, बरेलवी, ये देखें ये सारे लोग, ये टेररिस्ट नहीं है, ना कोई फ़िरका टेररिस्ट होता है ना कोई फ़िका टेररिस्ट होता है, और अहले सुन्नत हों या बरेलवी हों या देवबंदी हों या अहले तशी हों, ये सारे मुसलमान हैं और इनमें कोई दहशतगर्द नहीं। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, उसका कोई भी नज़रिया हो, वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पिछले 5 साल में मौजूदा हुकूमत नहीं कर सकी और अब इस बुनियाद पर सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। माजी में जो कुछ होता रहा वो अभी लुधियानवी साहब ने बयान कर दिया है। तो असल सवाल यह है कि अब चूँकि अवाम ने हिसाब मांगना है, रोज़ हिसाब आने वाला है, तो उससे यानी कि अपनी पहलू तही करने के लिए नए नए यानी कि बातें छेड़ी जा रही हैं। भाई जो हुकूमतों में रहें उन्हें हिसाब देना पड़ेगा कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया 5 साल में, आपने मंशूर पे अमल चले किया वो हिसाब जिनको दें, जो सबसे पहले हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है जी, पीटीआई से बात कर लेते हैं। असद उमर साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कह दिया उनकी हिटलिस्ट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नवाज है, और एमक्यूएम के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं इमरान खान साहब, ये तो बात जाहिर हो गई, क्या कोई इत्तेहाद के लिए पिच तैयार हो रही है? नहीं जी, ये तो पहली बात तो आपको जो जाहिर लग रहा है वो ऐसा है नहीं। उन्होंने जो सिर्फ बात की वो बिल्कुल सिंपल नेचुरल बात थी कि एज ए नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल के ऊपर मुकाबला है वो तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, उनके साथ मुकाबला है। बाकी जो पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज हैं, डिफरेंट मुकामात पे, कराची में एमक्यूएम के साथ मुकाबला होगा, खैबर पख्तूनख्वा में एनपी के साथ होगा, लेकिन नेशनल मुकाबला जो है वो पीएमएलएन और पीपीपी के साथ है। वो सिर्फ इतनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे थे, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि पीटीआई का नुमाइंदा तो नहीं बोल रहा, क्योंकि वो कह रहे थे जो हुकूमतों में है हम उनके साथ नहीं इत्तेहाद करेंगे, तो हुकूमत में तो पिछले 5 साल से पीएमएलएन भी है, 3.5 साल शरीके इकतदार उन्होंने पीपीपी को भी अपने पास रखा, तो जेयूपी जो है यूआई जो है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ 3 साल से ज्यादा शराकत में रही इकतदार के अंदर। तो ये तो सब इकतदार की पार्टियां हैं, पिछले 5 साल से मुख्तलिफ सूबों में या वफाक के अंदर वो इतफाक से मुल्क चलाते रहे हैं, और अगले 5 साल में भी अगर उनका इत्तेहाद होगा तो वो जाहिर है उसमें कोई परेशानी या उसमें कोई। अच्छा, आपने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रीजनल लेवल पर यानी कि सिंध के लेवल पर आपका मुकाबला उनसे होगा, उनके साथ मिलकर मुकाबला नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल उनके वो हमारे मुकाबिल होंगे, उनके साथ हमारा मुकाबला होगा कराची में और हम डट के मुकाबला करेंगे। अच्छा, और आज जेयूआईएफए और कल पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात हो रही है मियां साहब की, आप क्या समझते हैं सिंध में टफ टाइम देने जा रहे हैं आपको, केपीके में टफ टाइम होने वाला है आपके लिए? वो जाहिर है जी, वो जो हर अपनी पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उनकी पार्टी जो है पीएमएलएन वो पंजाब के सेंटर और नॉर्थ में स्ट्रांग है, बाकी मुल्क के इलाकों में कमजोर है, तो वो अपना फुटप्रिंट पूरा करने के लिए जहां जहां वो कमजोर है वो एलाइज ढूंढ रहे हैं,
ताकि वो कमजोरी पूरी करी जा सके। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी बहुत सेंस बनती है, उसमें कोई मुझे सरप्राइज नहीं है। ओके फैसल सबज़ाई साहब, लास्ट कमेंट आप ही से लूंगी क्योंकि नए इत्तेहाद की बात हो रही है, तो ये इत्तेहाद आपका डॉक्टर तायरुल कादरी से नजर आ रहा है और आप किसके साथ देख रहे हैं कुछ इत्तेहाद जोड़ने की बात, और ये जो बात की मुशाहिदुल्लाह साहब ने और असद उमर साहब ने भी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुकाबला होगा के साथ मिलकर मुकाबला नहीं होगा? इलेक्टोरल अलायंस मैं तो नहीं समझता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी के साथ करेगी। चंद मकामात पर अगर कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हुई तो वो कर लेंगी, बाकी आए विश असद साहब एंड हिज टीम लक। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सबज़ारी साहब, उसी पॉइंट पे आप तीनों का बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए आज यकीन में, और इसी यकीन के साथ के इलेक्शन में जिस तरह से इल्जामात की सियासत हो रही है ये कम होंगी, और अगर कोई बात ढकी छुपी कहीं है तो उसको सामने लाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से हमें गुरेज करनी चाहिए। इसी यकीन के साथ कि आपसे फिर कल मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाजत, वापस चलेंगे दुनिया न्यूज़ की जानिब।